कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सीएए के खिलाफ हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में हिंसा में मारे गए पीड़ित परिवारों से मिलने प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर पहुंची और पीड़ित परिजनों का हाल जाना, जहां सबसे पहले सादात हॉस्टल के मुतमीन मौलाना असद रजा हुसैनी के घर पहुंची और बंद कमरे में बात की। इस दौरान मौलाना ने बताया कि पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर हाथ तोड़ दिया है। साथ ही मौलाना ने बताया कि नागरिकों सहित मदरसा के छात्रों को पुलिस ने बिना किसी कारण के उठाया था, उनमें से कुछ को रिहा कर दिया गया जबकि कुछ अभी भी हिरासत में हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने सीएए हिंसा में मारे गए नूरा के परिवार वालों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवारों की हालत देखकर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा जताया। बता दें कि मुजफ्फरनगर में 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था और इस दौरान हुई हिंसा में नूरा की मौत हो गई थी। वहीं प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस नेता इमरान मसूद और पंकज मलिक भी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि प्रियंका गांधी ने पहले ही सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए परिवारों को पत्र लिखा था और हर कदम पर साथ देने की बात कही थी। पहली जगह तो मौलाना साहब ने मुझे बताया कि मदरसे के अंदर ही थे बच्चों के साथ, पुलिस अंदर आई, बेरहमी से मारा पीटा है, हाथ टूटा हुआ है, टांगों में पट्टियां हैं, तमाम मतलब चोटें हैं पूरे शरीर पे, बहुत बुरी और काफी बच्चों को लेके जेल में डाल दिया। उसमें से कुछ बच्चे रिहा हुए हैं, कुछ बच्चे अभी भी जेल में हैं, थोड़े माइनर्स भी थे वो भी जेल में इन्होंने डाले। और दूसरी जगह जहाँ मैं गई नूर मोहम्मद की, बहुत बहुत ही दर्दनाक, वो बेचारी 22 साल की लड़की है, 7 महीने प्रेग्नेंट है, उसका एक छोटा सा 1.5 साल की उसकी एक बच्ची है, एकदम अकेली। कुछ हेल्प कांग्रेस की तरफ से की? हम कोशिश तो पूरी तरह से करेंगे, जहाँ जहाँ न्याय हुआ है कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, जगह गए जहाँ जहाँ न्याय हुआ है वहाँ हम जरूर खड़े रहेंगे और हम जरूर। क्या लगता है आपको किसकी कमी रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई? आपने देखा होगा कि मैंने राज्यपाल महोदय को एक बहुत लंबी चिट्ठी भेजी है, उस चिट्ठी में सारी डिटेल है, इन केसों के भी डिटेल है, उसमें सारी डिटेल है कि पुलिस ने किस तरह से मारा है, पीटा है बेवजह बेवजह। देखिए वजह होती है, किसी ने कुछ किया है तो पुलिस कार्रवाई ले, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जहां पुलिस खुद घुसकर मारपीट कर रही है, वो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, वो बेचारी उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जो भी सामान था वो भी तोड़ फोड़ कर दिया उसके। बता दें कि पिछले साल 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया था। इस दौरान राज्य में 21 लोगों की मौत हुई थी, पुलिस कर्मियों समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए, करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा और मुजफ्फरनगर के नूर मोहम्मद की भी इस हिंसक प्रदर्शन में मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी नूर मोहम्मद के परिजनों और अन्य पीड़ितों से मुलाकात के लिए ही वहां पहुंची थी। नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में पीड़ित परिवारों से मिलने के साथ ही प्रियंका गांधी लगातार यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हैं। वहीं उनकी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही सक्रियता सपा बसपा को खटकने लगी है। सीएए के विरोध के अलावा प्रदेश में हुई अन्य घटनाओं में प्रियंका ने न केवल बढ़ चढ़कर भाग लिया बल्कि सपा बसपा को भी मात दे दी। इससे दोनों दलों को अपने वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से फल कुमार पवार की रिपोर्ट।